बस्तर जिले में स्थित दरभा ब्लॉक के रहने वाले 19 मजदूरों को कर्नाटक और हैदराबाद में बंधक बना लिया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ने मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए टीम को कर्नाटक और तेलंगाना भेजा। इसके बाद कर्नाटक से 13 मजदूरों को सुरक्षित जगदलपुर लाया गया। वापस लौटे मजदूरों ने बताया कि हमें वापस आने नहीं दिया जा रहा था और पैसे मांगने पर धमकी भी दी जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन की मदद से वे सभी वापस आ गए हैं। इधर जिले के कलेक्टर ने कहा कि कर्नाटक से सही मजदूरों को वापस ले आया गया है और हैदराबाद में फंसे मजदूरों को भी जल्द वापस लाने की पहल की जा रही है। ये जनवरी को गए थे, 15 तारीख जी, कर्नाटक में गए थे। क्या काम कर रहे थे? टेंट हाउस में काम कर रहे। 1 तारीख को आएंगे बोल के बतक देखे तो नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों ऐसे बोल बोल के हमको आज तक आने नहीं दे रहा था। तो हम फिर शिकायत करें जी। मारपीट तो नहीं हुआ सर, हम लोग सर जी इधर हैदराबाद में बोर गाड़ी में गए, उन लोगों को मारपीट हुआ जी। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। पैसों से दिया जी? वो दे दिए सर से जी, इधर से पुलिस पर्सन गया तो दे दिए जी। क्यों गए थे? यहाँ काम नहीं है तो रहता है सर, लेकिन उधर तो ज़्यादा जी ऐसा बोलते हैं, बोल के ले जाते हैं सर। आप कभी जाओगे जी? आप कभी दोबारा जाओगे? नहीं जाएंगे जी। मजदूर करने यहाँ से 12 जनवरी को यहाँ से निकले थे कर्नाटक, वहाँ पहुँचे 14 तारीख को, 14 तारीख नाइट में काम में लग गए। क्या काम कराया गया था? टेंट हाउस काम। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आना कब चाह रहे थे? सर 4 महीने का वो जो हमारा ठेकेदार जो लेबर किया था ना, हाँ। वो 4 महीने का अग्रीमेंट आया था, हाँ। तो 4 महीने पूरा होने के बाद ना हम उसको फ़ोन करते थे तो हमको जब घर जाना है, तो घर जाने का समय पहुंचा तो ऐसे ही बताता था, आज नहीं कल, ऐसी कर समय बिता दिया जी। क्या बोलता था? आज नहीं कल, ऐसे ऐसे करके दिन बिता दिया। फिर कैसे किया, फिर कहाँ जानकारी मिला? तो जानकारी अनिल रावया, हाँ, पत्रकार। अच्छा जी, उनसे थोड़ा बहुत शिकायत हो गई, उनसे संपर्क हुआ तो उन्हें लिस्ट दे दिया जी। तो मारपीट कुछ नहीं? नहीं नहीं। अभी और भी जो साथी लोग वो फंसे जी? अभी हैदराबाद में फंसे हुए हैं उन लोग, अभी जो हमारे टीम गई थी ना वो अभी हैदराबाद में है लेने के लिए। गाँव जी? कौन से गाँव? अचीरास जी। हमारे जिले के कोलेंग ग्राम के, गोलेंग और गुंडागढ़ गांव के लगभग 13 मजदूर जो है कर्नाटका के चित्रदुर्गा गए थे। वहाँ पे खेती और सुपारी का जो प्लांटेशन होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए इनके द्वारा गुहार लगाया गया कि इनको छोड़ा नहीं जा रहा है और इनका पैसों का भुगतान नहीं हुआ है करके। तो हमारे संज्ञान में आने के पश्चात लेबर और पुलिस की एक टीम बनाते हुए हमने यहाँ से टीम भेजा और वहाँ के हमारे काउंटर पार्ट जो होते हैं कलेक्टर और एसपी वहाँ के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के, उनसे बात करते हुए इन लोगों को छुड़वा दिया गया है। आज सकुशल वापस भी लौटे हैं और मेरी इनसे अभी मुलाकात भी हुई है, इनको समझाइश भी दी गई है कि इस तरीके से अगर जाना ही है नए रोजगारों के चक्कर में तो प्लायन पंजी में या फिर अपने रोजगार के पंजी में यहाँ पे नाम दर्ज कराए। और इनको ये भी एहतियात बरतने के लिए बोला गया है कि अपने स्थानीय रोजगार बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रही है, खेती किसानी में भी शासन के द्वारा बकायदा बड़ी मात्रा में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको स्थानीय रोजगारों के उसमें भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तेलंगाना में भी लगभग 8 लोग फंसने का जानकारी हमारे पास है, टीम गई है वहाँ पे भी, वहाँ के लोगों से भी लगातार मेरी बात हो रही है, कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको भी बुलाया जाए। सर नया सत्र शुरू होने वाला